आदाब और नमस्कार, आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। मैं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। मंडे या ट्यूसडे 27 या 28 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कोड ऑफ कंडक्ट अनाउंस होने वाला, इस तरह की खबरें आ रही हैं क्योंकि इलेक्शन का माहौल है। बेंगलुरु के प्रेस्टिजियस कॉन्स्टिट्यूएंसी हेब्बाल में आज हम मौजूद हैं। पिछले 5 साल से यहाँ पर कांग्रेस के यहाँ पर ML हैं, बिजनेसमैन हैं, टाइकून हैं, बिग टाइम सोशल एक्टिविस्ट हैं। भैरती सुरेश यहाँ के MLA हैं। पिछले 5 साल में यहाँ पर उन्होंने कितना काम किया, आज हम एक छोटा सा जायजा लेंगे। एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सेटअप से लेकर गरीबों की झोपड़ियां तक हैं। सोशल जस्टिस को प्रोवाइड करने में भैरती सुरेश ने कितना इंसाफ किया है। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई में इनका रैपो कैसा है, आइए हम पता करते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर कर्नाटका स्टेट के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई का रेसिडेंस भी अभी यहीं आता है। आइए इस वीडियो को हम देखते हैं। हेब्बाल के रेजिडेंशियल एरिया के कुछ अंदर के गलियां हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर की गलियों में भी यहाँ पर पक्की सड़कें आपको नजर आ रही हैं। यहाँ पर हाँ भाई, तो सुरेश बहुत अच्छे आदमी, अच्छा काम करते हैं, सभी सभी सपोर्ट करते हैं उनके। इसमें वो रिलीजन ये वो सभी नहीं है, सब मिलकर काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बीच में यहाँ बहुत अच्छा को टीवी भी देखो ही, मदद करते हैं, बहुत अच्छा काम भी करते हैं फैसिलिटीज से। सुरेश यहाँ के 5 साल से मिलने किस तरह के इंसान है जो कि आपने देखा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ना तला का तो कभी प्रॉब्लम नहीं है, हमारा से सब सही काम कर कोई नहीं लगती, आज तक कभी प्रॉब्लम नहीं है। डेवलपमेंट का काम है सर, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छा हो रहा है। पानी के बारे में, पानी का काम भी सब अच्छे से अच्छा हो रहा है। मिलनसार है, कभी किसी की तरह की तकलीफ नहीं? नहीं, आज तक किसी तरह की तकलीफ नहीं हो पाई। आइंदा इलेक्शन में आपको क्या लगता है वो कंटेस्ट करें दोबारा से? इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे, 110% जीतेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ के जो MLA हैं हमारे हेब्बाल असेंबली के, भैरती सुरेश है, माशाल्लाह अब तक बहुत अच्छा काम करी, अब तक उनसे कभी शिकायत का मौका नहीं हुआ है, हमारे मोहल्ले में किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तक अच्छा काम कर लगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट उन्हें भी आए तो अच्छा को हमें दुआ करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अब उन्होंने हमारे मोहल्ले को साथ दे रही, हमारे मोहल्ले को सपोर्ट करें, पूरे हेब्बाल को सपोर्ट करें, इंशाल्लाह हमें भी उनको साथ दे को जिताने की कोशिश करते इंशाल्लाह। पार्टी नगर में कैसा एरिया है आप देख सकते हैं, यहाँ पर कितने वाटरमेलन हैं, जो भी यहाँ से पास होता है यहाँ पर रुकता है, इनके कलंगड़े खाकर आगे जाता है। इरशाद भाई हमारे दोस्त इनसे पूछते हैं, इरशाद भाई आप रहमत नगर में रहने वाले हैं, इलेक्शन का छोटा सा सर्वे है, यहाँ का MLA भैरती सुरेश जैसा इंसान है आपकी नजर में? भैरती सुरेश तो अच्छा इंसान है, हमें कह सका जो रोना हिना भी पानी गिरने का भी बहुत सही किया, बहुत गरीबों को भी हेल्प किया हुआ है। आइंदा इलेक्शन में भी इंशाल्लाह भैरती सुरेश आएगा, इसके एक चांस है। नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे हमारे में हिंदू मुस्लिम वगैरह सब हैं, इनके साथ ताल्लुक कैसा उस इंसान का? कभी अच्छा वैसा कोई हमें तो देखे बिजनेस में कभी तकलीफ देना? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, अच्छा इंसान है, हमें तो देखते हो अच्छा इंसान है। आइंदा इलेक्शन भी वही वही आएगा, वही जीतेगा। थैंक यू। किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेवलपमेंट उस वक्त पूरा नहीं होता जब तक आप इस तरह की गंदगी जो यहाँ पर देख रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने दिनों से ये कचरा यहाँ पर डाला गया है। पता नहीं BBMP अपने आंख बनकर सो रही है,
व्हाट एग्जैक्टली द बीबीएमपी कमिश्नर इज डूइंग हमको ये पता नहीं है। इस तरह का कचरा यहाँ पर जो लोग रेसिडेंस रहते हैं उनकी सेहत का क्या होगा, छोटे बच्चे औरतें बीमार रहते हैं उनकी सेहत पे कितना असर हो सकता है आप इस कचरे को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आई काइंडली रिक्वेस्ट द ऑनरेबल MLA वैसी सुरेश साहब प्लीज़ इंस्ट्रक्ट यूर ऑफिसर्स टू काइंडली कम, कौसर नगर का मेन रोड है, इस कचरे को क्लियर करें ताकि यहाँ के लोग चैन की ज़िंदगी जी। 5 साल में यहाँ के MLA भरती सुरेश ने कितना काम किया क्योंकि आप यहीं के रहने वाले हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आपका बहुत ही सवाल, इतना अच्छा सवाल आपने किया है कि 5 साल में भरती सुरेश साहब ने क्या क्या काम किया। 5 साल में 4-4.5 साल सिर्फ गुडली पूजा की उन्होंने, वो भी नज़र आ रहे थे फोटोज़ के अंदर, और शायद उन्होंने बिजनेस किया होगा। ओके, ही इज़ अ बिजनेस मैन एक्चुअली। वो वेट कर रहे थे कि भाई लास्ट टाइम मैंने बिजनेस किया, लोगों को ख़रीदा और जीत हासिल की, इस दफ़ा भी शायद उसी तरीके से जीत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे करके सोच रहे हैं वो। इंशाअल्लाह ताला यहाँ की आवाम चालाक है, सिर्फ गुडली पूजा में नज़र आए, वो भी फ़ोटोज़ में नज़र आए, यहाँ बोर खोदते हुए वहाँ बोर खोदते हुए, ये छोड़ने के बाद दूसरी जगह कहीं भी काम कुछ नहीं हुआ है। अभी जब उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा हो तो हर जगह से रास्ते खोदे जा रहे हैं, नालियाँ खोदी जा रही हैं और हर रोड खोदे जा रहे हैं, और दूसरों को जो दूसरे पार्टियां हैं उनको प्रचार करने में तकलीफ हो, इसलिए हर जगह ब्लॉक 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 करके रखा हुआ है। और लोगों में ये नज़र आए कि काम जोरों शोरों से चल रहा है, ये नज़र आए, ये दिखाया जा रहा है। कुछ कौशल नगर के यहाँ के लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं यहाँ के MLA भैरती सुरेश के बारे में कि किस तरह की उनकी शख्सियत है। भाई साहब, हम एक सर्वे कर रहे हैं कांग्रेस के पार्टी के बारे में, यहाँ के जो MLA भैरती सुरेश हैं जो पिछले 5 साल से उन्होंने काम, क्या लगता है आपको किस तरह का काम किया उन्होंने? सर देखिए, अब जो 5 साल जो भैरती सुरेश जो हमारे MLA जो काम किए हैं हेबल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, तमाम हेबल कॉन्स्टिट्यूंसी के माइनॉरिटी को, या मुस्लिम कम्यूनिटी हो या हिंदू कम्यूनिटी हो या क्रिश्चन कम्यूनिटी हो, सबको पता है कि उन्होंने किस तरह से आदमी लोग को साथ में लेके काम किया है। और इसके साथ साथ सर 101% हम गारंटी के साथ दे रहे हैं कि ये माइनॉरिटी बेल्ट है, ये माइनॉरिटी बेल्ट में माइनॉरिटी के वोट से ही जीतेंगे ये। इसके साथ साथ हमारे हिंदू भाई लोग भी है, क्रिश्चियन भाई लोग भी है, जितना MLA साहब के साथ फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनसे काम ले रहे हैं, बहुत बढ़िया और बहुत खूब तरीके से वो काम कर रहे हैं। ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಸುರೇಶ್ವರ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಜನರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್, ಸಂಪರ್ಕ ಹೇಗಿದೆ ಜನರ ಜೊತೆ? ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದಾರ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರ, ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಲಿ ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ನೀರು ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡಿದಾರ, ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ 2 ತಿಂಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ? ಜನ ಅವ್ರು ಕೈ ಹಿಡಿಯಬಹುದಾ? ಅದರ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ನಮ್ಮ ಮೇಲಲ್ಲ, ಜನರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್, ವೋಟ್ ಹಾಕೋರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ? ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾರ, 90% ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರ. 90% ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಭರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಭರತಿ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಸಕರು, ಅವರು ತುಂಬಾ ಬಡವ ಜನಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ಲೈಕ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದರೆ ನಮಗಿನ್ನೂ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಫೀಲ್ ಪ್ರೌಡ್. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ 40,000 ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೆ ಟಿ ವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಜನರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ? ಹಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಇದೆ? ಗೆಲ್ಬಹುದಾ? ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಗೆಲ್ಬಹುದಾ? ಗೆಲ್ಬಹುದು. ಅವರು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸನೇ ಅದೇ ತರ ಮುಂದೆ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ 100% ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಸುರೇಶ್ವರ ಶಾಸಕರು, ಈಗ ಮುಂದೆ 8 ತಿಂಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವರು 5 ವರ್ಷದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರಾ,
ಹೆಬ್ಬಾಳು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಬೈರತಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇರೋದು ಓಡೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಆ ತರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬೈರತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಬ್ಬಾಳು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನತೆಗೆ ಬಡವರ ಬಗ್ಗರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜಾತಿ ಮತ ನೋಡದೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮನಾದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂಬರುವ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಅವಧಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಲ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಲ್ತೀನಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಗೆದ್ದೇ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಯಾವಾಗಲೇ ನಾವು ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾರು ಹೀರೋ ಯಾರು ವಿಲನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಇವರು ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ರವರು ಆ ತರ ಅಲ್ಲ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ರವರು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಬಡವರು ಬಗರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರಿಗೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. अब यहाँ एक दूसरा मुसलमान भी करते हैं जेडीएस से उन्होंने सभी चुपते खड़े नहीं सर उन्होंने सभी वोट आप फोड़ नहीं होते उन्होंने सभी जीतते नहीं जीतते सर खाली बेरे दूसरे छोड़े दूसरे कौन भी जीतते नहीं। अच्छा शुक्रिया। भोपाल विधानसभा का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है अगर इसके अंदर के अगर हम रास्तों पर आकर देखें तो सब जगह पर हमको पक्के ही रास्ते नजर आ रहे हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पक्के रास्ते हैं सब जगह जैसे लोग कह रहे हैं यहाँ पर पानी का कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है। जितना भी आपने देखा कि हब्बाल में हम कुछ जगह पर हम घूमे हैं लोगों से हमने बात की ज्यादातर लोगों का कहना है कि यहाँ के जो एमएलए भैरती सुरेश हैं 5 साल में उन्होंने काफी सारा काम किया है रास्ते कच्ची थी पक्की हुई है पानी का ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व है लेकिन अभी भी काफी सारी जगह पे मसले तो हैं लेकिन मेजोरिटी में अगर देखें तो लोगों के साथ उनका बैठना उठना बैठना सब अच्छा है भले वो कोई हिंदू मुस्लिम कोई भी हो सबके साथ अच्छा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि आइंदा अगर जो इलेक्शन आ रहा है उसमें भी जीतेंगे तो हमारे साथ जब आईटी में काम करने वाले हमारे से इरफान है इरफान आप यहीं रहते हैं अभी 5 साल में हमने जो देखा है भैरती सुरेश को जिस तरह के एमएलए रहे हैं वो आप नौजवानों के जी माशाल्लाह हमारे एमएलए साहब जो है भैरती सुरेश जो रिप्रेजेंट करते हैं पिछले 5 साल में बहुत बढ़िया से काम किए हैं जैसे कि स्कूल की फीस भरे बच्चों की स्कूल की फीस और कॉलेज की स्कूल की फीस मेडिकल पर्पस से कोई जाते हैं तो उनका काम करके देते हैं जैसे कि कम कराना या रेकमेंड करना अच्छी हॉस्पिटल में ताकि अच्छा इलाज हो और जो है वो कोरोना के टाइम पे खुद के एक हॉस्पिटल बने। अच्छा जी खुद के एक हॉस्पिटल बना के उनके ओन फंड से गवर्नमेंट से नहीं उनके ओन के ओन फंड से गवर्नमेंट जैसी हॉस्पिटल बने थे इधर चोलनायक नली पे कोई भी मरीज हो चाहे वो कांग्रेस का हो बीजेपी का हो जेडीएस का हो या आम आदमी का हो इररेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी ह्यूमैनिटी के लिए काम किया। अच्छा कोरोना इलेक्शन आएगा 2 महीने के बाद क्या लगता है अगर वो कंटेस्ट करेंगे दोबारा जीत सकते हैं 100% भैरती सुरेश छोड़ के इधर कोई नहीं जीत सकता। सर अभी एक आपके लिए एक प्रॉब्लम ये भी है कि भैरती सुरेश के अपोजिट में जेडीएस एक मुस्लिम कैंडिडेट आए हैं मोहित अल्ताफ के नाम से आपको नहीं लगता वोट कट जाएंगे वोट इधर चले जाएंगे तो उनके लिए मुश्किल साबित होगा क्योंकि मेजोरिटी यहाँ पे मुस्लिम के वोट्स हैं। जी 100% ये जो बेल्ट है बहबाल ये माइनॉरिटी बेल्ट है लेकिन प्रॉब्लम ये है ये आप जो मोहित अल्ताफ बोल रहे हैं इनको कोई जानता ही नहीं और आज तक मैं हेब्बाल में मेरी पैदाइश होते हैं मैं आज तक देख के ही नहीं हूँ ये कौन है इनका घर किधर है ये कौन है किधर से आते हैं। जेडीएस का ये प्रॉब्लम है जैसे ही इलेक्शन आता है नया कैंडिडेट पैदा हो जाता है जैसे ही हारता है कैंडिडेट
या तो वो गांव चले आता है या तो बस्ती छोड़ के चले आता है। पिछली बार इधर से एक कैंडिडेट आए थे वो हारे, उसके बाद ना तो वो आए ना तो कुछ हुआ। तो इन शॉर्ट जेडीएस से जो है कैंडिडेट नहीं आते, इधर जो है बीजेपी की बी टीम की तरह कैंडिडेट खड़ाए जाता है ताकि मुसलमान के वोट फूटे और बीजेपी जीते। ओके, तो आपका ये कहना है कि अब जो इलेक्शन आएगा उसमें बैठी सुरेश पक्का जीतेगी, भले मुसलमान पर डिवाइड नहीं होगा। 100% बैठी सुरेश जीतेंगे, उनके अलावा मुस्लिम के हाथ पकड़ से 100% मुसलमान, मुसलमान हो हिंदू हो सब उनका हाथ पकड़ेंगे, क्योंकि वो मास लीड रहे हैं। बैठी सुरेश साहब के पास जो है पहली बात कैस्ट रिलीजियस है ही नहीं, वो क्या बोलते हैं आई एम अ ह्यूमन बींग, वी ऑल आर अ ह्यूमन बींग्स, हम लोग हिंदू मुसलमान में बांटा नहीं जाना है, हम लोग बस इंसानियत के नाते जीना है और इंसानियत के लिए काम करना है। और बैरती सुरेश साहब जो काम के ये रोड जो है चरंडी का हुआ पानी का हुआ ये हर कोई एमएलए करता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये क्यों स्पेशल है, आउट ऑफ 224 एमएलएस ये एक ऐसे एमएलए हैं जिनके घर को कोई भी जा सकता है कोई भी दिन, आप उनके घर को जाएंगे चांदी के ग्लास में कॉफी आई, चांदी के ग्लास में कॉफी आके और उसके बाद आपको नाश्ता मिलेगा चांदी की प्लेट में, कोई भी जाए कोई भी जाए। दूसरे एमएलए के पास आप जाओ, सर जाने की बहुत दूर की बात है, बस आप फोन करो, बोलेंगे साहेब रो अल्लाह, साहेब रो अल्लाह, साहेब रो आचे होगी इधर है विधानसभा में इधर है ये वो बोले, थैंक यू। लेकिन ये जो ऐसे एमएलए है डायरेक्ट वन ऑन वन बात करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, होता नहीं होता मुंह पे बोलते हैं, ये नहीं बोलेंगे नाले बा नाली बा नीते ही चरी गिरला ये सब नहीं बोलेंगे, बस वन ऑन वन ही इज अ हॉनेस्ट लीडर। बैरती सुरेश यहाँ है, हम लोग सपोर्ट करते हैं इंशाल्लाह, उनको ही लेके आएंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट मिनिस्टर भी बनेंगे। थैंक यू सो मच। तो यही था इनका कहना है कि कोई भी बैरती सुरेश के घर पे जाता है तो चांदी की कप में कॉफी चांदी की प्लेट में खाना दिया जाता है। इसका सबूत भी ये है कि पिछली बार के इलेक्शन में हमने देखा था कि बैरती सुरेश की जो बीवी है उन्होंने कांग्रेस से एक जगह पे कंटेस्ट किया था, तो अपने एफिडेविट में उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का इनकम 350 करोड़ का उन्होंने जायदाद घोषित किया था। अब आइंदा आने वाले समय में पता चलेगा कि हब्बाल के इलेक्शन में बैरती सुरेश का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। लाजी लोगों का कहना है कि दोबारा उनके ही आने के चांसेस ज्यादा हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े बिंगलोर अखबार के साथ मैं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।